बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब के? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के व्लॉग में जैसा कि आपने हाईलाइट से देखा कि बहुत कुछ है आपके देखने के लिए। शुरू करते हैं हम नाश्ते से। अच्छा, मैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से आज नाश्ता बना रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार सा, और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। आप लाजमी ये रेसिपी बनाकर ट्राई करिएगा। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 5 मीडियम साइज़ के एग है। अगर आपके पास लार्ज साइज़ में है तो 4 काफ़ी है। अगर आप 4 लोगों के लिए 6 स्लाइसेस में जो है वो ये रेसिपी बनाना चाहते हैं, बेसिकली ये एक जो है एक टाइप का, इसको ब्रेड पिज्ज़ा आप कह सकते हैं, जो कि हम पैन में बनाएंगे। इसमें मेरे पास जो चीज़ें घर में अवेलेबल है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। 5 अंडे लिए, उसमें नमक डाला है, काली मिर्च का पाउडर डाला है, थोड़ा सा दूध डाला है, थोड़ा सा ऑरिगेनो मैंने स्प्रिंकल किया है। सब चीज़ें मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाली हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास इस तरह का कोई पैन है तो उसमें डाल लें, राउंड पैन है राउंड पैन में डाल लीजिए। किसी भी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। मैं ग्रिल पैन के जो का जो प्लेन साइड वाला मेरा है पैन, उसके अंदर जो है वो मैं ये बना रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एग्स जो है ऑमलेट जो बनाया था प्लेन ऑमलेट, उसको फैला दिया। जब वो हाफ कुक हो गया तो उसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं एज इट इज़ ही लगा रही हूँ। मैंने बिल्कुल भी उनके एजेस जो हैं वो रिमूव नहीं किए। तो यहाँ पर 6 स्लाइसेस जो हैं वो सेट हो चुके हैं। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी केचप। अगर आपके पास पिज्ज़ा सॉस है तो आप वो लगा लीजिए, वरना आप कोई भी केचप जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो आम टोमेटो केचप के अंदर थोड़ी सी चिली सॉस मिक्स करके उसको यूज़ कर लीजिए। आपके पास चिली गार्लिक सॉस है आप वो लगा लीजिए। मेरे पास यहाँ पर चिली एंड टोमेटो सॉस थी जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, उसमें गार्लिक नहीं था, सिर्फ रेड चिली और टोमेटोज़ की ये केचप है, तो वो मैं इसके ऊपर इस्तेमाल करूँगी। उसके बाद हम लगा देंगे इसके ऊपर चीज़ के स्लाइसेस। अगर आपके पास ग्रेटेड चीज़ है, कोई भी मोज़रेला है, चेडर है, या स्लाइसेस में है, किसी भी फॉर्म में है, तो वो आप यूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपके पास किसी भी फॉर्म में कुछ भी अवेलेबल है। यहाँ पर मेरे पास जो है वो सॉसेजेस थी जिनको मैंने यहाँ पर कट कर लिया था। आप चाहें तो चिकन लेफ्ट ओवर कोई भी यूज़ कर सकती हैं, कोई तिक्के बच रहे हैं आपके पास, किसी भी तरह का चिकन आपके पास लेफ्ट ओवर पड़ा हो तो आप वो इस्तेमाल कर लीजिए। इसके अलावा वेजिटेबल अपनी मर्ज़ी के डाल दीजिए, मैंने सिर्फ इसमें कैप्सिकम डालने हैं। अब मैं इसको कवर करके इसको फ्लिप कर लूँगी, अपसाइड डाउन कर लूँगी। आप ढक्कन लगा कर या प्लेट रख कर पैन के ऊपर जो है वो इसकी साइड जो है वो बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है क्योंकि अपर साइड पे बिल्कुल स्लाइस भी था तो आपने देखा हल्का सा जो है वो स्टिक कर गया था, पर बड़े आराम से जो है वो अलग हो गया था। यहाँ पर हमारा जो पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा जो ब्रेड है वो हमारी सब बनकर तैयार हो चुकी है। इसको मैंने कट कर लिया था स्लाइस के साइज़ के हिसाब से ही, और यहाँ पर ज़बरदस्त से हमारे जो स्लाइसिस हैं पिज़्ज़ा ब्रेड के वो बनकर रेडी हो चुके हैं। इतने मज़े के बने कि कुछ भी नहीं बचा, बच्चों ने भी बहुत शौक से खाए, और लकीली जो है वो हस्बैंड ने भी शौक से खा ली। अदरवाइज़ वो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, मैं और बच्चे ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। बट आज हस्बैंड ने भी हमारे साथ जो है वो ये नाश्ता किया, बहुत मज़ा आया, बहुत मतलब टेस्टफुल भी था और हेल्दी भी था, एनर्जेटिक भी था, हर तरह के न्यूट्रिशन जो हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। तो चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। The following day. तो यहाँ पर जो है बनने जा रहा है कीमा करेले का सालन, और उसकी तैयारी हो गई है शुरू। हमें बच्चों को लेकर जाना था फन लैंड में, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं जाने से पहले ये काम अपना वाइंड अप कर दी जाऊँ। करेले जो है उनको मैं गोल्डन कर गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद उनको मैं ऑयल में से निकाल लूँगी, और इसी ऑयल के अंदर हम प्याज़ों को फ्राई करेंगे। उसके बाद उसमें हम लहसुन अदरक डालकर फ्राई करेंगे।
फिर कीमा जो है वो तकरीबन मेरे पास आधा किलो था, उसको भी मैंने वॉश करके तो ड्रेन आउट होने के लिए छोड़ दिया हुआ है, क्योंकि मैं कीमा हमेशा वॉश करने के बाद यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर जो प्याज हैं वो फ्राई हो रहे हैं, करेले जो थे मैंने उनको ना तो पहले नमक लगा कर रखा, ना वॉश किए करके फिर उसको अच्छे से निचोड़ के स्क्वीज़ आउट किया, मैंने जस्ट पहले डायरेक्ट जो करेले थे उनको अच्छे से धो लिया। जब उनको तकरीबन आधा घंटा उनको वैसे ही छोड़ा, जब पानी सारा खुश्क हो गया तो उनको मैंने पील ऑफ किया, उसके सीड्स रिमूव किए, कट किया और डायरेक्ट फिर मैंने उनको फ्राई कर दिया। तो इस तरह करने से जो है वो कड़वे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, एक तो मेहनत भी कम होती है और बड़ी आसानी से जो है वो आप बना सकते हैं। प्याज फ्राई हो गए थे तो मैंने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डालकर उसको 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई किया, फिर इसके अंदर डाल दिया है मैंने कीमा, साथ ही मैंने ज़ीरा डाला है और खुश्क धनिया मोटा कुटा हुआ 1-1 चाय का चम्मच डाल दिया, ताकि भुनाई के साथ जो स्मेल है कीमे की वो ख़त्म हो जाए इन मसालों की वजह से। आप चाहें तो दालचीनी, लौंग, इलायची, कुछ भी आपको डालना हो डाल दीजिएगा, मैं ज़ीरे के अलावा कोई भी मसाला जो है वो यूज़ नहीं करती। अच्छा, अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे, नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी है, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर है। ये सब मसाले अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से कम करें, ज़्यादा करें, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अपनी चॉइस है। मैंने जो स्पाइसेस डाले हैं वो मेरे टेस्ट के हिसाब से हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। उसके बाद फिर इसकी भुनाई करेंगे हम, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। जब ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो 3 बड़े साइज़ के टोमेटोस जो है उनको कट करके रखा था, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें हैं ये डालेंगे और थोड़ी देर भूनेंगे और उसके बाद हम ढक्कन लगाकर पकाएंगे। उसकी वजह ये है कि हमने जो कीमा है उसको पहले बॉयल नहीं किया, तो इसी टमाटर के पानी में ही हमने इसको कीमे को कुक करना है। अच्छा, थोड़ी देर भुनाई करने के बाद जो करेले फ्राई करके रखे थे वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, 3 से 4 मिनट। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, भूनेंगे, ताकि तमाम स्पाइसेस जो है वो कीमे के अंदर भी चले जाए और करेलों के अंदर भी चले जाए। उसके बाद मीडियम लो फ्लेम करेंगे और ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे, टमाटर जो है वो अपना पानी रिलीज़ करेंगे और उसके बाद हमारा सालन तैयार। A few moments later. अब हम आ चुके हैं बच्चों को लेकर प्ले लैंड में, जो कि यहाँ पर है अंसार गैलरी में, फन जोन के नाम से है, और बच्चों का काफ़ी देर से ये हमारे साथ जो है झगड़ा चल रहा था कि उन्हें बाहर आउटिंग पे जाना है, बट इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि ओपन एरिया में पार्क्स वगैरह पे, बीच पे, कॉर्निशेस पे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती जाने की। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि ऐसे कवर्ड एरिया में लेके जाते हैं, किसी मॉल में, किसी प्ले लैंड में, जहाँ पर गर्मी की जो टेंशन है वो हो ही ना। तो बस फिर बच्चों को लेकर हम यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों बच्चियाँ जो हैं वो अपने बाबा के साथ प्ले कर रही हैं। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की गेम्स थी और बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी थी, मतलब कि किसी भी तरह के गेम, वीडियो गेम्स चाहिए, एक्टिविटीज़ चाहिए, किसी भी तरह के बच्चे जो है वो गेम खेल सकते थे, इंजॉय कर सकते थे, हर एज के बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से। और उन्होंने सब गेम्स यहाँ पर जो है वो रखी हुई थी, तो हम पूरा एक राउंड लेकर देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि बच्चों ने कौन कौन सी जो है वो गेम्स लेनी है। किसी के लिए हरम जो है वो ज़िद कर रही थी कि मुझे यहाँ पर बैठना है, मुझे ये गेम प्ले करनी है, बट हरीम वहाँ के लिए एग्री नहीं होती थी, और जो चीज़ हरीम को पसंद आती थी वो हरम को पसंद नहीं आती थी। तो यहाँ पर जो है ये हॉर्स था और हम हरीम को कह रहे थे कि वो इस पर बैठ जाए, बट वो डर रही थी, उसको लग रहा था कि जैसे बुल्स या यॉर्क जो है वो हिलते हैं, उछल कूद करते हैं, तो शायद ये भी ऐसे करे, बट वो डर रही थी और बिल्कुल भी नहीं वो बैठी। तो फिर हमने हरम को बैठा दिया, तो वो बड़े मज़े से बैठ कर, तो अपनी तरफ से वो अर्तुल गाजी बनी हुई थी और बड़े घोड़े को भगाने की कोशिश कर रही थी, बट वो घोड़ा बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था, अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। उसको जो है बस एक गेम में दौड़ाना था, उसको लेफ्ट राइट करके तो उसको जो है वो दौड़ाना था, बट ये कि पहली दफ़ा हरम ने ये गेम प्ले की थी तो उसको इतना आइडिया नहीं था। उसके बाद हम बच्चों को लेकर आ गए थे मज़ीद
छोटी मोटी राइड्स वगैरह थे, कुछ इलेक्ट्रिक स्विंग्स थे और कुछ गेम्स थी जो वो प्ले करती रहेंगे और एंजॉय करती रहेंगे। हरम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी हरीम के, क्योंकि थोड़ी इन दोनों की एज ग्रुप में भी थोड़ा फ़र्क है, तकरीबन 4 एंड हाफ ईयर का है। तो जो चीज़ें हरम के लिए एक्साइटेड होती हैं वो हरीम के लिए नहीं होती, क्योंकि अब हरीम माशाल्लाह से बड़ी हो रही है, उसका जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है वो और तरह का है, हरम का और तरह का है। तो अब एक चीज़ पे दोनों का मुत्तफिक होना वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर हमें थोड़ा सा जो है ना इसको मैनेज करना पड़ता है कि कैसे दोनों को एक चीज़ पर एग्री किया जाए, या फिर दोनों के इंटरेस्ट के हिसाब से हम इनको अलग अलग कुछ ना कुछ ऐसे प्ले करवा दें। तो हरीम को फिर हमने कुछ गेम्स जो बड़े बच्चों के खेलने वाली थी, जैसे रेसिंग कार्स होती हैं या रेसिंग बाइक्स होती हैं, वो प्ले करवाई। और उसमें जो है हरम साथ में ज़िद करने लगी कि उसको भी प्ले करनी है, बट उसको पता बिल्कुल भी नहीं था, उसको लग रहा था सिर्फ गाड़ी के स्टेयरिंग को जो है वो हिलाना है और बस इस तरह से वो ड्राइव कर लेगी। तो फिर उसके बाबा उसके साथ बैठे और उसको, हालांकि वो अपने बाबा को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने दे रही थी, जब भी वो उसको होल्ड करने की कोशिश करते थे तो वो फ़ौरन अपने बाबा को जो है ना वो मना कर देती कि बाबा आप छोड़ दो, मैं करूँगी मैं करूँगी। और पता उसको था नहीं कि करना क्या है, बट उसको लग रहा था कि वो सचमुच में जो है वो बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त जो है वो गाड़ी चला रही है। तो बच्चों का तो ये आलम था कि वो एक गेम से उतरती थी और दूसरी पे, दूसरी से उतरती थी तो तीसरी पे शायद ही कोई गेम हुई हो, रह गई हो जो इन्होंने छोड़ी हो। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब गेम्स इन्होंने खेली, हर चीज़ पर बैठी, हर तरह का फ़न जो है वो इन्होंने किया। और बस मैं और हस्बैंड इनके पीछे पीछे कार्ड लेकर जाते थे और स्वाइप करते थे और इनको किसी ना किसी जगह बिठा कर जो है वो हम इनको इंजॉय करवा देते थे। कुछ गेम्स ऐसी थी जो साथ में मैंने भी इंजॉय की और कुछ जो है वो फिर बच्चे और उनके पापा गेम से बिज़ी रहे और मैं आ गई यहाँ पर। काफ़ी रिड्यूस प्राइसेस में कुछ चीज़ें लगी हुई थी, मैंने सोचा कि एक नज़र मैं भी जो है वो इन सब चीज़ों को चेक कर लेती हूँ, हो सकता है कि कोई चीज़ काम की मिल जाए। शूज़ थे, अच्छे थे, बट साइज़ का था प्रॉब्लम, ना तो वो हरीम के साइज़ के थे और ना ही हरम के साइज़ के थे, और बहुत सिलेक्टेड से साइज़ जो है वो शूज़ के पड़े हुए थे। और मेरी जो मैं चाह रही थी वो हरम के लिए लेना चाह रही थी, बट ये हरम के साइज़ का कोई भी शूज़ एक भी मुझे यहाँ पर नहीं मिला। तो फिर बस मैं घूम फिर कर देख के तो वापस आ गई, और वापस आकर फिर मैं ढूंढती रही कि बच्चे इस वक्त कहाँ पर हैं, और वो बिल्कुल एक कॉर्नर पर डार्क जगह से जो है वो बरामद हुए, मुझे मिल गए। तो यहाँ पर जो है तकरीबन ऑलमोस्ट सब काम बच्चों के कंप्लीट हो चुके थे और अब मैं इनको निकाल रही थी कि अब यहाँ से निकलें, क्योंकि वापसी पे हमें कुछ ग्रॉसरी करनी थी। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं लेनी थी, बस दो चार चीज़ें थी जो ख़त्म हो रही थी। तो फिर हमने सोचा कि वो भी हम आए हैं यहाँ पर तो यहाँ से ही लेते हैं। चाय के लिए मिल्क चाहिए था, बच्चों के फ्लेवर्ड मिल्क फिर ख़त्म हो रहे थे वो लेने थे, और इस तरह की बस हल्की फुल्की दो चार चीज़ें थी। कैचअप ख़त्म हो रही थी, मेरे जो मल्टीग्रेन ब्रेड है वो ख़त्म हो रही थी। तो बस चार पांच चीज़ें थी जो हम लोग लेने के लिए आए थे। तो बस हमने सोचा कि लगे हाँ तो ये काम भी हमारा वाइंड अप हो जाएगा। तो यहाँ पर हरम जो है वो हर चीज़ को जाकर चेक कर रही है कि उसको क्या लेना है और क्या नहीं लेना। अब हरीम और हरम का हमेशा फ्लेवर मिल्क पे आकर लाजमी इनका फड़ा होता है, एक को एक फ़्लेवर चाहिए होता है, दूसरे को दूसरा फ्लेवर चाहिए होता है। तो बड़ी मुश्किल से इनकी एक ही चीज़ पे जो है ना इत्तेफाक होता है। जैसे जैसे दोनों बड़ी होती जा रही हैं वैसे वैसे इनके इख्तलाफात जो है ना वो भी बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से फिर हम लोग चले गए थे फ्रूट्स और वेजिटेबल के डिपार्टमेंट पे, क्योंकि हमें थोड़े से मैंगोज़ ख़रीदने थे। ये वाले मैंगोज़ जो थे वो बहुत ही सॉफ्ट थे और ये 1 से 2 दिन में ख़राब हो जाने थे, ये बिल्कुल ग्रीन वाले थे। फिर बिलाखिर हमें पाकिस्तानी अच्छे वाले जो मैंगोज़ हैं वो मिल गए, तो फिर वो हमने ले लिए। थोड़े ग्रीन कलर के लिए थे, इनको मैंने 2 दिन जो है बाहर रखा तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त से येलो कलर के हो गए। तो फिर उठा के हमने इनको फ्रिज में कर दिया, अच्छे थे। बिल्कुल पाकिस्तान का फ्लेवर तो नहीं था, उतने मीठे नहीं थे, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर थे, क्योंकि आजकल सीज़न जो है वो पीक पे है जो मैंगोज़ का। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी हद तक खाने के काबिल जो है वो मिल जाते।
तो ग्रॉसरी जो है वो हमने कर ली थी। हमें सिर्फ जो है वो मैंगोज़ की टैगिंग करवानी थी। उसके लिए हमने जो है वेजिटेबल काउंटर पे जाना था, बट वहाँ पर इतनी लंबी लाइन थी और यहाँ पर ये जो है वो मिनी पिज्ज़ास पड़े हुए थे। हमने ये सोचा ये ले लेते हैं रास्ते में बच्चों को, क्योंकि भूख लग रही थी, तो रास्ते में हम लोग बच्चों को भी दे देंगे और ख़ुद भी खा लेंगे। लाइन बहुत लंबी थी, लेकिन 15 से 20 मिनट के बाद जाकर हमारी बारी आ गई। तो बस वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।